झींगे आ गए ये फ्राइज हैं और सेवैया आ गई सेवैया सेवैया अबे चाउ अब इसमें ये क्या सा है अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रॉयल जैस्मीन के अंदर, लकी वन के अंदर। ये रॉयल जैस्मीन एक रेस्टोरेंट है जो के बुफे सिस्टम देता है। अस्सलाम वालेकुम अली अब्बास भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा भी दिन होता होगा कि ये जगह मिलती नहीं होगी यहाँ पे तो लोगों को? यहाँ पे ऐसा दिन नहीं, यहाँ पे बिफोर अ डे ही बुकिंग जो है वो फुल हो जाती है। लाइक अगर आप रिसेंटली यस्टरडे की बात करें तो फ्राइडे का डे था और फ्राइडे डिनर की बुकिंग हमारे पास थर्सडे डिनर को क्लोज हो गई। अच्छा, तो बिफोर अ डे बुकिंग जो है वो मस्ट है। और सेकंड थिंग ये कि जाहिर है यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस भी नहीं, 250 का स्पेस है हमारे पास। अच्छा माशाल्लाह। बट उसके बाद भी ऑलमोस्ट यहाँ पे फुल ही रहता है। आपके पास इस वक्त कितने किस्म की डिशेज मौजूद है? मेन कोर्स की एक अच्छी बड़ी वैरायटी है जिसमें चाइनीज़ डिशेज़ हैं, पाकिस्तानी डिशेज हैं, बारबेक्यू आइटम हैं और सैलेड बार है, डेजर्ट बार है, सूप्स हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो ये लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये चाइनीज़ का एक मेन समझने की जगह है चाइनीज़ के लिए। बिल्कुल, बेसिक जो है रेस्टोरेंट हमारा चाइनीज़ ही है और मेन हमारा फोकस भी जो है वो चाइनीज़ है। बट आपको पता है बुफे में ऑप्शन रखना पड़ता है पाकिस्तानी भी, तो इसलिए दो चार चीज़ें हमने पाकिस्तानी। बिरयानी तो ज़रूर होगी फिर इसका मतलब? बिरयानी ज़रूर है, कढ़ाई ज़रूर है, कीमा ज़रूर है, बारबेक्यू बोटी ज़रूर है। बिल्कुल। और द गुड थिंग इज़ दैट के तवा कीमा और बारबेक्यू हमारी लाइव है। अच्छा, यहीं पे आपके सामने तवा कीमा है, लाइव काउंटर लगा हुआ है, लाइव बारबेक्यू का काउंटर लगा हुआ है, गर्मा गर्म फ्रेश बिल्कुल फूड यहाँ पे बन रहा होता है और कस्टमर को सर्व हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये आपके इंटरनेशनल ब्रांड जो है ये कहीं और इसकी भी ब्रांचेज हैं पूरे कराची में? ये अभी फर्स्ट ब्रांच हमारी लकी वन मॉल में ही है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ग्रो करेंगे। अच्छा, अभी एक ही ब्रांच है। एक छोटी सी बात मुझे ये भी पूछनी थी कि अगर यहाँ पे कोई ओकेजन रखना चाहें हम लोग 200 बंदों का 250 बंदों का, क्या उसकी भी सर्विंग है आपकी पूरी? बिल्कुल, और यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ पे इवेंट्स करवा चुके हैं, हमारे पास आउटसाइड में 250 की कैपेसिटी है और इनसाइड रेस्टोरेंट में 80% की कैपेसिटी है। अच्छा, ऑलमोस्ट 300+ का हमारा रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया है और अच्छा बड़ा एक यहाँ पे बुफे अरेंज होता है। आप लाइक यहाँ पे बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं या कोई भी अपना एक बड़ा फैमिली इवेंट कर सकते हैं। रॉयल जैस्मीन के किचन के अंदर मौजूद है और यहाँ पे देखते हैं कि सफाई का निज़ाम और यहाँ पे सारी क्वालिटी फूड। अगर आपको कराची वालों को मसला ये है कि कराची वालों को खाने तो मिल जाते हैं लेकिन क्वालिटी फूड कहीं पे नहीं मिलता, तो यहाँ पे इनका ये क्लेम है कि हम लोग क्वालिटी फूड देते हैं सबको। तो हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्वालिटी किस तरह से ये कायम रख रहे हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ों को हाइजेनिक बना रहे हैं खाने को। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो वॉक है जहाँ पे हमारी कुकिंग होती है और कुकिंग किस तरह से होती है, किस तरह से हम वेजिटेबल्स वगैरह, किस तरह से राइस हम यूज़ करते हैं। तो शेफ अभी एक ऑर्डर मैं आपको बनवा के दिखा देता हूँ जी, तो आप उसको कवर कर लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपके पास जो स्टाफ है वो कितना स्टाफ है आप लोगों का टोटल? हम ऑलमोस्ट 20+% अच्छा, जो आपके शेफ़ हैं वो यानी शेफ़ उसमें से कितने हैं, आपके पास वेटर्स कितने हैं इस तरीके? एक ही होते हैं और बाकी है कि कॉर्पोरेट शेफ होते हैं, फिर कुक होते हैं, उसके बाद वेटर्स होते हैं, ये सारी। अच्छा, तो यहाँ पे जो अंदर का सिटिंग एरिया था उस सिटिंग एरिया के भी आप लोग जो है वो यूज़ करते हैं अपने बुफे के लिए? इनसाइड रेस्टोरेंट में हमारे मेन्यू से ऑर्डर होता है जिसको हम अलाकार कहते हैं, बुफे की सेटिंग हमारी जस्ट आउटसाइड ही है, ओपिनियन। अच्छा अच्छा, तो इसमें ये है कि अभी जैसे डाइन इन बंद हुआ हुआ था तो फिर आप लोगों का क्या सिस्टम था, आप बाहर ही रखते हैं? डाइन इन क्लोज थी तो हमारा ओवरऑल बिजनेस जो था वो आउटसाइड ही था, मेन्यू से ऑर्डर हो या बुफे हो हम आउटसाइड ही कस्टमर को एंटरटेन कर रहे थे। तो भाई इसको भाई साहब को इन शेफ को राजी करती है कि आपको रेसिपी बता रहे हैं, तो आप रेसिपी नोट कर लें सारे, एक पेन पेपर लेके बैठ गए। ये क्या डाल लें? एग है। अच्छा, एग है, ठीक है। ये सारी सब्जी आ गई। अच्छा, कैरेट है, कैबेज है और कैप्सिकम, ठीक है। तो पौधे करने के बाद मैच जा रही है। इसको अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब राइस डाल रहे हैं, बॉयल राइस है ये, ठीक है। राइस में कौन सा चावल है? सेला चावल? हाँ, ये सेला चावल, महंगा चावल है, सबसे महंगा वाला चावल। मसाले ऐड करेंगे? ये चिकन पाउडर है, थोड़ा सा क्या ये सॉल्ट है, थोड़ा सा शुगर भी ऐड होती है। अच्छा, सही। इसके बाद इसको हल्के आंच में पहले मिक्स कर दें, ठीक है।
तैयार हो गया। अब क्या बना रहे हैं? स्वीट एंड सॉर फिश। फिश बना रहे हैं। अच्छा, क्या भैया इसमें क्या पानी डाल के इसको साफ करते हो? क्या कर रहे हो? पानी डाल। केचप में सादा केचप है या वो गार्लिक सॉस है? नहीं नहीं, सादा केचप। सादा केचप, नॉर्मल केचप। ये क्या है? कॉर्नफ्लोर है। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। जी भाई, तो ये कौन सा नान अभी लगा रहे हैं? सर ये रोगनी नान है। अच्छा, रोगनी नान है। तो रोगनी नान आपके पास कितने टाइप के नान होते हैं? सर बुफे में तो एक ही टाइप के नान है। अच्छा, रोगनी नान। और मेन्यू में? मेन्यू में तो चाइनीज है तो। अच्छा, वो सारा नान, बस नान ये आपके पास रोगनी नान लगते हैं? जी, तो इस भी गरम गरम टेबल पे सब करवा। अच्छा अच्छा, तो ये यानी कि लाइव लग रहे हैं और पहले से बना के नहीं रखते? लाइव बना के कस्टमर को सब कर देते हैं। ठीक है ठीक है, तो अंदाजन कितने रोगनी नान बना लेते हैं भाई एक दिन में? सर कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब 250-300 जो। आप छोड़ना शुरू करें कि इसमें क्या क्या है? ये चिकन रोटी है भाई, ये तो नान है। अभी खा खा के भी डाल लेंगे लोग इसमें हैं? ये ऐसी ऐसी है? नहीं, खा के डाल लेना। ये चिकन कढ़ाई है। अभी मिक्स सब्जी नहीं है, कोई मिक्स है। ये क्या, ये क्या? अभी तो कढ़ाई देसी देसी कढ़ाई है भाई। नाम इसका है नूर महल। नूर महल भाई, अबे नूर महल क्या होता है? नूर महल क्या होता है ये पता नहीं है कि क्या होता है। अबे आंटी टाइप है, अबे चिकन आंटी है, ये आंटी है। अबे नूर महल क्या होता है? हमने तो कभी नहीं खाया नूर महल। नूर महल नूर ने पकाई है, नूर ने पकाई है। ये क्या है? नौरतन वेजिटेबल है। टिप्पणिया की गार्लिक विद गार्लिक। ये क्या, कोई अलग चाइनीज है? ये चॉप सोया आ गया, ये और चॉप सोया नली योगी में। अबे नसी आयाम में नसी है। अबे नसली नसली है, नसली है। झींगे आ गए जी, ये फ्राइज हैं। और सेवैया आ गई, सेवैया सेवैया। अबे अब इसमें ये क्या सा है? गार्लिक प्रॉन। वाह, तो ये सूप होता है? क्या होता है? प्रॉन है बस, गार्लिक प्रॉन। अबे ये तो मैंने सूप की तरह पी लिया। नहीं नहीं, ये सालन है। ये क्या है? फिश एंड स्वीट चिली सॉस। फिश एंड चिली सॉस, चिली सॉस। फिश एंड स्वीट, मीठी भी हो गई है। चिकन चिली वेजिटेबल है। ब्लैक पेपर चिकन, ये क्या होती है? ब्लैक गरम मसाला चिकन। गरम मसाला चिकन क्या है? सिजुचान चिकन। चिकन ये पता नहीं है, नाम देख लो भाई क्या है। नाम खुद ही देख लो यार आप लोग। सिजुचान चिकन, सादे चावल नहीं है फिर। हाँ सादे चावल। ये सूप है? सूप आ गया, सूप। वाह 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 वाह,
और ये थाई चिकन, अबे ये चटनी यखनी लग रही है, यखनी थाई चिकन यखनी है। पापड़ है, पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़? ये पापड़ भी, और ये कच्चा है पक्का है? ये अचार है, गाजर दो गाजर पापड़, ये भी है पापड़। हाँ ये भी पापड़ है, ये दही बड़े के साथ खाने वाला, दही बड़े वाला पापड़ है। गुलाब जामुन आ गए, गुलाब जामुन भी है, गुलाब जामुन है भाई, गुलाब जामुन। वाह वाह, आदि नहीं, आदि मैं नहीं खाऊँ, मैं नहीं खाता गुलाब। वाह 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 वाह, कैसी है ये? क्या क्या मीठा आ गया? मीठा रॉयल खीर है, रॉयल खीर है जी, लबी शेरी है, ग्रीन चिली सर, अच्छा ऑरेंज मूस सर, अच्छा ऑरेंज मूस जी सर, और स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री सर, अच्छा और बर्फी है सर, ठीक है बर्फी जगाओ, बर्फी जगाओ, जगाओ जगाओ, आदमी जगाओ। अब ठंडी हो रही है तो पतीसा है सर, पतीसा है, पतीसा है, आइसक्रीम, आइसक्रीम में एक ही फ्लेवर है, एक दो तीन फ्लेवर है लेकिन एक फ्लेवर लगे हुए सर, अच्छा मार्बल केक है सर, मार्बल केक भी रखे, ठीक है जी सर। 2 साल से कर रहा हूं, 2 साल होगा इसी जगह पे, एक ही जगह पे जी सर। क्या नाम है? इफ्तिखार अली, वक्कार अली, इफ्तिखार अली, इफ्तिखार अली भाई यहीं पर ही हो 2 साल से जी सर, यहीं पर ही हूं। रिहाइश कहाँ की है? रिहाइश महमूदाबाद में सर। और वैसे? वैसे गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। अच्छा गिलगित से हो, ठंडे शहर से हो, है? ठंडे शहर से हूँ। कितना टेम्परेचर जाता है वहाँ पर सर्दियों में? वहाँ पर 16-17 -16। और तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा।